तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं, जो कि मान पुट करने वाले क्वेश्चन हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन क्लास सेवेंथ, एट्थ, क्लास नाइन्थ और इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9k का पावर 2 है, यानी 9k स्क्वायर प्लस 10k है प्लस 8 है और बराबर में 2 है, इसमें यदि के बराबर 0 तो मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन ने द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें आपको कह रहा है कि के का मान 0 है तो मान ज्ञात कीजिए। यानी इस इक्वेशन में अगर हम के बराबर 0 रख दें तो क्या मान प्राप्त होगा, ना यही आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले ये वाला इक्वेशन जो दिया है इसको लिखेंगे। तो दिया है 9k का पावर 2 प्लस में 10k है और प्लस में 8 है और बराबर में क्या है, 2 है, तो बराबर में 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में दिया है के बराबर 0, तो हमको के बराबर 0 इसमें रखना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पर के है ना वहाँ पर हमको 0 रखना होगा। तो 9 है सबसे पहले, तो 9 लिखेंगे। अब देखिए के का पावर 2 है तो के का मान हमको 0 रखना है ना, यानी 0 का पावर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और इसका पावर हम कोष्ठ में घर कर 2 कर देंगे। प्लस है तो प्लस, उसके बाद 10 है तो 10, 10 के साथ के है, यानी 10 और के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह छिपा है, तो यहाँ पर हम गुणा देंगे और के जगह पर यहाँ पर 0 रख देंगे। प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 और बराबर में 2 है तो बराबर में 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर है 9, तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर इंटू के यहाँ पर बाहर में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, यानी इंटू का मतलब होता है गुणा, तो गुणा दे दिए। अब 0 का स्क्वायर करेंगे ना तो आपका होगा 0, यानी 0 का गुणा करेंगे 0 में, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 होगा। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब देखिए 10 का गुणा करना है 0 में, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या जो है ना 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल आपका हो जाएगा 0। प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 और बराबर में 2 है तो बराबर में 2 लिख देंगे। अब देखिए ठीक उसी तरीका से यहाँ पर देखिए 9 का गुना करना है 0 में, यानी 0 के गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। प्लस है तो प्लस, ये वाला यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे और बराबर में 2 है तो बराबर में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 में जोड़ना है 0 तो ये हो जाएगा 0, 0 में जोड़ेंगे 8 तो यहाँ पर होगा आपका 8, 8 के बराबर में यहाँ पर क्या है 2 है, 2 लिखेंगे। अब देखिए 8 बराबर 2 लिखिए या 8 इधर है बराबर के राइट में, 2 जो है प्लस में, इसको बराबर के लेफ्ट में लाएंगे ना तो माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर में सिर्फ यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि 2 को इधर ला दिए हैं। अब देखिए 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा आपका 6 और बराबर में है 0 और 6 बराबर 0, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीका से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर कोई चर पद यानी ABCD के कोई भी अक्षर होता या XYZ कुछ भी होता तो हम उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चर पद नहीं है जिसका मान हम ज्ञात कर सके, यानी 6 बराबर 0 यहीं तक हम रहने देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी मैंने तरीका बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले समय में अगर आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी है हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।